आज मैं आपका परिचय कराती हूँ एक मेडिसिनल पौधे से, पेड़ से। ये है दोस्तों पारिजात के पेड़। आप लोग देख के पहचान जाएं, इसमें उजले उजले से फ्लावर लगते हैं छोटे छोटे से। इसे रात रानी भी बोला जाता है और इसे हर सिंघार भी बोला जाता है। आज मैं ऐसा गुणकारी औषधि आपके लिए बना के दिखाऊंगी कि आप लोग एकदम से आश्चर्यचकित में पड़ जाएंगे। तो ये इसमें से हमें चाहिए होगा कुछ पत्तियाँ। तो चलिए मैं इसके कुछ पत्तियाँ ले लेती हूँ, और एक दो फूल भी हमें गिरे हुए मिल गए हैं तो वो भी मैं ले लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मिस सहेली पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ ना, शायद ही आपको इसके बारे में इतना ज़्यादा पता होगा। ये आपको बहुत से चीज़ों से बचाएगा। यदि आपके घुटने में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, जो आज आपको इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद बना के आपको दिखाऊंगी रेमेडी, जो कि आपके हर दर्द से आपको बचाएगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं अपने घुटनों के दर्द से या जोड़ों के दर्द से, तो ये जो रेमेडी है आप एक बार बना के देखिए और लगा के देखिए, कुछ ही दिनों में आपको ये फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। तो आप लोगों ने पहले ही देखा है वीडियो में कि इसका जो पेड़ था बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये है पारिजात के पत्तियाँ, इसे हम लोग हरसिंगार भी बोलते हैं, बहुत जगह इसे रात रानी भी बोला जाता है, और इसे नाइट जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। आपके यहाँ इस फूल को, ये प्यारे से फूल को क्या बोला जाता है, तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर आवश्यकता अनुसार आपको लेना है इसकी पत्तियाँ, और आप जो है ये रेमेडी बहुत सारे भी बना कर रख सकते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पत्ती की ज़रूरत होगी। मैं आपके साथ सिर्फ वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए इतना सा पत्ती से ही मैं आपको बना के दिखाऊँगी। तरीका यही रहेगा और आप कम और ज़्यादा बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इसको अच्छे से धो के साफ़ कर लेना है, और आप लोग इसको पहचान पाए होंगे, ये हमको रेशा लग रहा है दोस्तों। इसमें देखिए कुछ इस टाइप के फूल होते हैं, अभी उतना ज़्यादा फूल इसके आ नहीं रहे हैं। जब दुर्गा पूजा का समय होता है ना नज़दीक, तब ये फूल खिलना शुरू होते हैं, और दिन में ये फूल जो है पूरा झड़ के नीचे गिर जाते हैं। रात में ये फूल जो है रात में ही खिलता है, और सुबह में देखेंगे ना तो पूरा पेड़ के नीचे ये फूल पूरा बिछा हुआ होता है। ये आगे से सफ़ेद और पीछे में देखिए इसमें बहुत ही प्यारा सा ऑरेंज कलर होता है। तो आप फूल और पत्तियां देख के आप अच्छे से समझ गए होंगे। पानी में डालने के बाद इसको अच्छे से छान लेना है पानी से। तो अभी इसको अच्छे से पानी से निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें पानी का हमें मात्रा नहीं चाहिए। यदि पानी का मात्रा रखेंगे तो ये जो रेमेडी आप बना के तैयार करेंगे वो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको निकाल लिए हैं। आप इसमें पत्ती और फूल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अभी के समय में यानी कि वीडियो देखने के बाद ही आपको ये प्रॉब्लम है और आप ये इस वाले तेल को बनाना चाहते हैं, तो आपको अभी के समय में शायद ही फूल मिल पाए, तो आप पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं दोनों ही चीज़ आपको बताई हूँ। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको डाल देंगे किसी भी सूती कपड़ा पे और थपथपा के जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना उसको सारे को हम लोग सुखा लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में, अपने चाहने वाले, अपने जानने वालों में ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिनके साथ ये प्रॉब्लम होगा दर्द वाला, तो वो भी हो सकता है उनको भी इससे वीडियो को देखने के बाद फ़ायदा मिल जाए और वो भी इस टाइप के रेमेडी जो है बना के और अपने लिए रख पाएँ। और देखिए यहाँ पर जो है इसको अच्छे से पोंछना है, बिल्कुल भी इसमें पानी ना हो। यदि वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाए ना तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, और इस टाइप के वीडियो को आधा अधूरा देखना भी नहीं चाहिए। अब देखिए ये जो फूल और पत्तियाँ हैं बहुत अच्छे से सूख चुके हैं, यानी कि इसमें जो पानी का अंश है वो अब नहीं बचा है। आप चाहें तो 10 मिनट इसको इसे पंखे के हवा में भी डाल दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा ये सूखा सूखा सा हो जाए। तो आप क्या करेंगे, सारे पत्तियों को थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से रफली तोड़ देंगे, और ये वाला जो आज मैं आपको तेल बना के दिखा रही हूँ, तो इसको आप ज़्यादा बनाएंगे ना तो आप पत्ती बहुत ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये कम हो जाता है। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो ये अच्छे से बन पाएगा। और बोलते हैं ना दोस्तों कि ये पौधे जो हैं स्वर्ग से आए हुए हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गुणकारी ये पौधा है हमारे जीवन के लिए। बहुत से प्रॉब्लम इससे सॉल्व होता है। आप लोग
बोलिएगा तो मैं इसका दूसरा तीसरा सारे ही वीडियोज आपके साथ शेयर करूँगी। इसका काढ़ा कैसे बनता है, इसका चाय कैसे बनता है, मैं सारी चीज़ आपको बताऊँगी एक एक करके। अब पत्तियों को तोड़ने के बाद यहाँ पर ले लेना है हमें मिक्सर का जार। तो छोटा वाला जार ले लेती हूँ, छोटा वाला जार में पत्ती भी कम है और अच्छे से पिस जाएगा। यदि आप ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे तो बड़े जार का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, बिना पानी का इसको पीसना है और अभी इसमें कुछ डाल के नहीं पीसना है, सिर्फ पत्ती और फूल को ही डाल के थोड़ा सा इसको पीस के देखते हैं कि कहाँ तक ये पीस पाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको पीसने में हमें बिल्कुल भी पानी का ज़रूरत नहीं पड़ा है, और आप भी जब इसको पीसेंगे ना तो ये बहुत आसानी से पिस जाता है, क्योंकि इसमें जो जूस होता है, इसका अपना जो रस होता है, उससे ये पिस जाता है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये वाले रेमेडी में आपको पानी का टच बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें बिल्कुल भी पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। जब आप लोग इस टाइप के कोई भी आयुर्वेदिक टाइप का कुछ बनाते हैं ना, तो इसमें कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा गुणकारी बन के तैयार हो। तो यहाँ पर सारे पत्तियों को पीसने के बाद निकाल लेना है किसी भी बर्तन में। आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा इसी तरीके से पत्ती को पीस के पहले जमा कर लें, और कम बना रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, यानी जैसे कि आपको दिखा रही हूँ कम बना के, तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। अभी इसके अंदर डालेंगे हम लोग सरसों का तेल। सरसों का तेल और तिल का तेल दोनों ही इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही से ये बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। तो इसमें थोड़ा सा तिल का भी तेल डाल देती हूँ और थोड़ा सा सरसों का तेल, दोनों ही तेल मिक्स करके बना रही हूँ। यदि आपके पास एक ही तेल है तो आप इसमें सरसों का तेल या तिल का, दोनों में से कुछ एक भी डाल सकते हैं और दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तिल के जो तेल हैं सेसमी सीड ऑयल, तो वो भी हमारे स्किन के लिए, हमारे जड़ के, जोड़ों के दर्द के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे त्वचा के लिए, फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। उसमें भी कैल्शियम जो है भरपूर मात्रा में मिलता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल करें। और सरसों का तेल तो है ही, पुराने ज़माने से ही बच्चे को मालिश करने में या कहीं भी दर्द है तो सरसों का तेल लगाने में आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत बड़ा रोल है सरसों के तेल का, तो उसके बारे में क्या ही बताना। तो यहाँ पर मैं दो तेलों का इस्तेमाल की हूँ, आप अपने पसंद से एक तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें नारियल का तेल आपको नहीं डालना है। चाहे तो आप इसमें सरसों का और तिल का डाल लें, लेकिन इसमें नारियल का तेल आपको नहीं डालना है। तो देखिए यहाँ पर तेल इतना डाली हूँ, जैसे कि पत्तियाँ जितना था इसमें आप 100 ग्राम के जितना तेल डाल सकते हैं, और इसी हिसाब से आप बनाइएगा। ज़्यादा बनाएंगे आप, आधा लीटर तेल में यदि बना रहे हैं तो पत्ती जो है बहुत ज़्यादा लीजिएगा, जिससे कि इसका अर्क जो है, इसका जो फ़ायदा है तेल के अंदर, बहुत ज़्यादा आ सके और आपको बहुत ही ज़्यादा ये गुण पहुंचा सके। अब इसको मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए यानी 10 मिनट तक पत्ती में ही इसको रहने देंगे इसी तरीके से। तो आप लोग भी मिक्स करके इसको छोड़ दीजिएगा, आप चाहें तो हाथों से भी इसको दबा दबा के अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए 10 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर तेल को रखे हुए 10 मिनट के करीब हो चुका है, और देखिए कैसे तेल जो है ऊपर आ गया है, देख पा रहे हैं, और पत्ती थोड़ा सा फूल भी गया है तेल के साथ। तो चलिए दोस्तों अब इसको तैयार कैसे करना है वो देख लेते हैं। इसको लगाने का तरीका भी आपको जानना होगा कि इसको लगाना कैसे है, कितने बार लगाना है, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिए। तो यहाँ पर आपको कोई सा भी बर्तन ले लेना है, मैं ये वाला लोहे वाली कढ़ाई ही ली हूँ, क्योंकि इस टाइप के जो रेमेडी है बालों के लिए हो या दर्द के लिए कुछ भी बनाती हूँ तो इसी वाले कढ़ाई का इस्तेमाल करती हूँ। तो आपके पास यदि लोहे की कढ़ाई है तो और भी ज़्यादा अच्छा आपका तेल जो है बनके तैयार होगा, और भी ज़्यादा ये फ़ायदा पहुँचाएगा, जो लोहा जो है कैल्शियम देगा इस तेल के अंदर। और यदि आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप कोई सा भी कढ़ाई में इसको बना सकते हैं। आप क्या करना है, गैस को चला देंगे, और गैस को चलाने के बाद आँच को बिल्कुल लो रखेंगे, शुरू से ही आँच को लो रखना है और इसको अच्छे से पकाना है। जैसे जैसे ये पकेगा, ये जो इसके पत्ती का जो कलर है हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाएगा और तेल ऊपर ऊपर आपको दिखने लगेगा। आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा।
और नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका जो प्यार है ना, आपका जो सपोर्ट है ना, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो देखिए यहाँ पर अब ये तेल हल्का सा गर्म हुआ है और धीरे धीरे से तेल में झाग बनना शुरू हो चुका है। आप देखते जाएं, इसका पकाने का जो तरीका है वो आप अच्छे से समझें। ये तेल बहुत ही पुराने जो जोड़ों का दर्द होता है ना, उसको भी ये धीरे 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 ख़त्म करता है, आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब ये पकना शुरू हो चुका है और आँच को शुरू से ही हम लोग लो फ्लेम पर रखेंगे। तो देखिए जब ये पक जाएगा तो तेल में से जो उफान आ रहा था वो शांत हो गया है और पत्ती का जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अभी तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अभी कर दी हूँ गैस को बंद और थोड़ा थोड़ा सा इसको इस तरीके से चलाते रहिएगा जिससे कि ये बहुत ज़्यादा जले ना। तो जब हल्का सा ये ग्रीन ही था तो मैं गैस को बंद कर दी हूँ और इस तरीके से थोड़ा सा तेल को ठंडा करेंगे। ये तेल बनके तैयार हो गया है और इसको पकाने में कुल 10 मिनट का समय लग गया था। तो आप लोग भी इसी तरीके से तेल को तैयार कीजिएगा। तो चलिए अब तेल को छान लेते हैं हल्का सा ठंडा होने के बाद। तो अभी देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है और इसको साइड में कर लीजिए। और तेल जो है ये बनके तैयार हो चुका है। लोहे के कढ़ाई में बनाने से ये बहुत ही इसका कलर भी एकदम से डार्क हो गया। इसको छानने के लिए आप कोई भी सूती कपड़ा एकदम पतला सा जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको छन्नी से छान के दिखा देती हूँ। आप लोग ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे ना तो अच्छे से ठंडा होने के बाद इसको कपड़े से छानिएगा, क्योंकि गर्मा गर्म छानेंगे तो हाथ जल सकते हैं। तो सारे तेल को इस तरीके से कांच के बॉटल में ही आपको रखना है, प्लास्टिक का होना नहीं चाहिए। आप जब भी इसको स्टोर करेंगे तो कांच की कोई भी शीशी हो, इस टाइप के चौड़े मुँह वाले बॉटल हो, तो उसमें आप इसको रखिएगा। इसको आप महीनों रख सकते हैं और भगवान ने चाहा तो कुछ ही दिनों में आपके जो दर्द हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो महीनों रखने का ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये तेल बनके तैयार है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तेल है। आपको जहाँ भी दर्द है यहाँ पर तेल ले लीजिएगा थोड़ा सा और अच्छे से मसाज कीजिएगा। थोड़ा सा मसाज करते हुए लगाना है और सुबह शाम आप दोनों टाइम इस तेल को लगा सकते हैं और इसी तरीके से आप ढेर सारा भी तेल बना कर रख सकते हैं। तो ये जो तेल है आप लोग लगा कर देखिएगा फ़ायदा करता है या नहीं। दोस्तों मैं जो जानती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, सोचती हूँ क्यों ना अपने दोस्तों के साथ इस टाइप की वीडियो को शेयर किया जाए। उनको भी यदि प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगी, तो वो लोग भी अपने परेशानी को घर बैठे ही दूर कर सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर से कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से कोई नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।